जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे अब दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्राथमिकता आप जरूर करें इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस परिवार से जुड़ने के लिए। जय श्री महाकाल कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं वो डर से कैसे आज़ाद हो पाएंगे और डर क्या है, डर के बारे में इस वीडियो में पूरी विवेचना हम करेंगे। पहली और मुख्य बात है दोस्तों, डर क्या है, डर क्यों होता है, डर कैसे होता है, डर के दुष्ट परिणाम या दुष्परिणाम या डर के गलत परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है। सबसे पहली बात, डर वो है कि जो सत्य नहीं है और हमारे मन बिल्कुल असत्य है और हमारे मन द्वारा उस चीज़ को सत्य कल्पित करना है। सिंपल सी भाषा में कहूँ अगर मैं तो कोई चीज़ है ही नहीं वास्तव में और हमारे द्वारा उसे सही में मान लेना, यह डर है। यह केवल आंतरिक क्रिया है, मन में चलती है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। डर के पीछे रीज़न है नकारात्मकता, सबसे पहला है नकारात्मकता, दूसरा है मन का अस्थिर होना और तीसरा है बेवजह की चिंता है। ये इसके मेन कारण है। अगर इन तीन सिम्टम्स में अगर आपके साथ कोई भी मैच हो रहा है तो आप उसे, या तीनों मैच हो रहे तो प्लीज़ उसे आप ना करें तो अच्छा होगा। कई बार हितों का टकराव, सब कुछ होने के बाद भी हितों का टकराव होता है, ये भी एक डर का वजह है। तो वो एक अलग वजह है, वह व्यक्तिगत जीवन की बात हो गई। अब मान लीजिए आपको डर है, इससे बाहर आना है आपको, किस तरह से आ पाएंगे? किसी भी चीज़ का डर हो तो उसके पहले उस चीज़ उस डर की वजह ढूंढे, खोजे, तलाशे कि डर क्यों है हमें, उसका वजह क्या है, उसका उपाय क्या है। दूसरा है उसका उपाय, इसका हल क्या हो सकता है, तुरंत इसका उपाय क्या हो सकता है, प्राथमिक उपचार इसका क्या मिल सकता है और उससे हम तुरंत बाहर आए। यह डर का सबसे बड़ा रीज़न है। और दोस्तों, डर जो, ये रीज़न तो आपको कब पता लगेगा, जब आपको पता हो कि डर क्या है हमें। यह तो एक सामान्य क्रिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन विशिष्ट क्रिया यह है कि बहुत बार हमें यह पता ही नहीं होता कि डर किस बात का है। मन में वहम पाल के रखते हैं जो लोग, वो हमेशा डरते हैं। तो वहम जितने भी अपने मन में होना उन्हें दोस्तों इग्नोर करें। और नेगेटिव बातें सबसे ज़्यादा डर का वजह जो है ना, नेगेटिव बातें, यहाँ पर मैं गया था तो ऐसा हो गया, वो हो गया, ये जो चीज़ें ना हमें जब हमारे अकेले होते हैं, सुनसान जगह पर कभी होते हैं तो वो चीज़ें याद आती। उसके पीछे वजह क्या है, हमारा दिमाग इतना तेज़ी से वर्क करता है काम की, वो बातें याद कर, उन बातों को रिवाइज करता है और ख़ुद को डराता है और हम खुद डर भी जाते हैं। तो कई बार बहुत सी घटनाएँ मैंने सुनी भी है, देखी भी है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसे हम मान लेते हैं। ये मेन वजह आपसे मैंने चर्चा कर चुका हूँ। अब आपको है पहल तीसरी चीज़, ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखें और ईश्वर के सानिध्य में रहें, ईश्वर का नाम लें, भगवान का नाम लें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चौथी बात है सकारात्मकता, बिल्कुल पॉजिटिव रहें कहीं भी कैसा भी, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर ईश्वर का बस चलता है, ईश्वर का। पाँचवीं चीज़, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और वो बुरी बातों को भूल जाएँ और भूतकाल में हुए जो बुरे क्षण हैं, बुरे अनुभव हैं, उन अनुभवों को भी आप भूल जाएं, वो अनुभव को हमेशा साथ लेके ना चले तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और कहीं भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात को बिठा लें दिमाग में कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जय श्री महाकाल कमेंट्स में लिखें, जय श्री महाकाल।